मेरा सुसाइड करने का इरादा है। बस खा लो, कितने अच्छे से खाना नहीं मिला है, भुखड़ कहीं का। इसलिए अम्मी को बच्चा मिल गया किसी का। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं गोल्डन पार्क में अम्मी के साथ घूमने के लिए, अम्मी को थोड़ा वॉक करवाने के लिए और खुद भी करने के लिए थोड़ा इंजॉय करते हैं। और मैं अपने लिंकू को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि लिंकू के बगैर तो हमारी पार्टी और वॉक अधूरी होती है। बाहर लाया, एक तो यहाँ पे म्यूजिक बहुत लाउड है, तो दूसरा इतने सारे लोग हैं तो शायद उनसे डर गया है या थोड़ा परेशान हो गया है। बट कोई बात नहीं, एक दो बार लाऊंगी ना, उसके बाद आदत हो जाएगी। अच्छा, ये छोटा बच्चा मेरे लिंकू को देखने के लिए आया है। देखो, देखो, कैसा लगा? वो देखो, एक बिल्ली भी आई है मेरे लिंकू को देखने के लिए। बिल्ली भी आई है, वाओ। देखो, कुत्ता बिल्ली का झगड़ा होने वाला है। लिंकू जो डर के भाग गई है। थोड़ा सा वॉक करते हैं। लिंकू चलो थोड़ा वॉक करते हैं। ऐसे कौन बैठ जाता है? ऐसे कौन बैठ जाता है? चलो घूमते हैं, चलो घूमो, एंजॉय करो। चुप। लिंकू बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है यार। ऐसा लग रहा है बच्चों को पार्क में लेकर वो मामा के पास से नहीं उठता, सिर्फ वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। ऐसे बैठ के सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बच्चा भी कैसे कंफर्टेबली अम्मी के पास बैठा हुआ है। लिंकू दरख्त के ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश करते हुए। एक्चुअली मेरा लिंकू जो है ना, वो डरता है, थोड़ा थोड़ा डरता है, शोर से एक्चुअली डरता है। इसने इतना शोर सुना नहीं है ना, घर के अंदर रहता है। अभी सोच रहा होगा मुझे क्यों लेकर आई हो, मैं घर पे अच्छा था, मुझे इसे बिस्तर में सो रहा था। लिंकू झाड़ियों के अंदर पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, नई चीजें नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ आप बाहर, मुझे भी अपने साथ गौर किया। ये वाली अच्छी जगह है, यहाँ पे मैं बैठा होता, ये वाली मुझे अच्छी जगह लग रही है, बाकी से क्योर फील नहीं कर रहा हूँ मैं। रुल दिया बारी बारी। लिंकू इधर देखो, इधर देखो, हाय वो देखो, इसकी आंखें ब्लू ब्लू आ रही है। क्यों है? मुझे खुद समझ नहीं आती इसकी आंखें ब्लू क्यों है, बाकी कभी किसी की ब्लू नहीं होती है, सिर्फ इसकी ब्लू है। लिंकू आप गिरगट की नस्ल से तो नहीं हो? आपकी आंखें ब्लू कलर की क्यों हो रही हैं? मेरे लिंकू में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, मेरी गोल से उठ के यहाँ तक चल के आया है। मैं एक्चुअली अम्मी को लेकर आई थी पार्क में, क्योंकि अम्मी को घर बैठे बहुत बोर हो गई थी, इतने टाइम से बैठी हुई है, मैं खुद बिजी थी, मैं टाइम नहीं दे पाई हूँ, लेकिन इसलिए मैं आज अम्मी को लेकर आई थी। तो मैंने सोचा मैं लिंकू को भी घुमा के आ जाती हूँ, तो अभी अम्मी कॉल पे बात कर रही है। लिंकू में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और लिंकू अब आके यहाँ पे बैठ गया है। लिंकू कितने सुंदरी लग रहे हो, मेरे क्यूटू कितने प्यारे लग रहे हो, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, वाह। और पट्टा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने आप लोग को पट्टे की कहानी नहीं सुनाई, ये भी मैं सुनाऊंगी आप लोग को। यार पता है कराची में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो अगर आप में से कोई भी इस पार्क में आता है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग खा के नीचे यहाँ पे कचरा मत फेंका करें। अब देखें, ये किसी ने कचरा फेंका हुआ है, ये किसी ने रैपर्स फेंके हुए हैं, वो सामने डस्टबिन लगी हुई है, ये पीछे डस्टबिन लगी हुई है। यार आप लोग डस्टबिन में डाल दो, लेकिन एटलीस्ट कचरा नीचे नहीं फेंको प्लीज। ये डस्टबिन लगी हुई है, इसमें डाल दो। लिंकू फर्स्ट टाइम सोभी की गोद में चढ़ के बैठी है, अभी वो डरा हुआ, इस टाइम वो कहता है मुझे बस उठा लो। बहुत वैसे शरारते भी कर रहे हैं, मेरे साथ तो नहीं कर रहा, मेरे पास से चुपचाप बैठा हुआ होता है। कितने अरसे से भूखे हो जो घास खा रहे हो, कितने अरसे से भूखे हो, मैंने कुछ नहीं दिया है।
यार ये फूल कितने अच्छे हो रहे हैं ना। अजान हो रही है यार। यहाँ पे ये तुलसी का पौधा हो रहा है, तुलसी बहुत खूबसूरत रहती है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और इसके हम लोग ना अपनी तरफ चटनी बनाते हैं और वो चटनी इस कदर टेस्टी होती है ना यार। वाह, अगर आपको कभी मौका मिले ना तुलसी देखने का तो इस तुलसी की जो स्मेल होती है ना वो करना और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की बेस्ट फ्रेग्रेंस है। वाह, कॉन्फिडेंस और आ गया। अब ज्यादा घूम रहा है, देख रहा है यार ये क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। पूरा एरिया घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कुछ ना कुछ। ओह, बैठ गया एक्सप्लोर करके। एक्चुअली बहुत टाइम बाद रात को बाहर निकाला है तो मुझे लग रहा है ये ठंडा हो रहा है, इसलिए जहाँ ऐसी जगह मिलती है ना थोड़ी गर्म वाली तो वहाँ पे घुस के बैठ जाता है। ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी मैं थोड़ी देर में बस इसको लेके जा रही हूँ। एक्चुअली सर्दी बहुत हो रही है, मुझे खुद बहुत ठंड लग रही है। कराची में बड़ा सर्दी वाला मौसम है। पटरी है, इस पर से ट्रेन चलती है, बच्चों की, बड़ों की नहीं। मेरा सुसाइड करने का इरादा है, मैं ट्रेन की पटरी पे बैठी हुई हूँ, ट्रेन आ रही है और मुझे दबा के फोटो कॉपी बना के मेरी चली जाएगी। खरगोश की जैसे क्या हरकतें कर रही हो? क्या मिल रहा है घास में? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं जोक कर रही थी, मैं इस ट्रेन के नीचे बैठी हुई थी। और मैं लिंकू का पटा वहाँ पे ही भूल गई हूँ, अल्लाह करे कोई लेके ना गया हो। ओह माय गॉड, मैं यहाँ ही उसका भूल गई थी तो मिल गया। आपको मैं इन बॉल्स में छोड़ूं तो आप कितने मजे से खेलोगे यहाँ पे। हम लोगों ने पूरा पार्क एक्सप्लोर नहीं किया है, बस कुछ कुछ चीजें एक्सप्लोर की हैं। एक्चुअली अम्मी को भी सर्दी लग रही है और लिंकू तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। बस आज के लिए पार्क में हमारा इतना ही था। चल के घर में खाना वाना खाएंगे और क्योंकि सुबह हमारा इतना इम्पोर्टेंट सेशन है, अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है जो कि बहुत बीमार है, बीमार नहीं है, अपॉइंटमेंट ली हुई है, ट्रीटमेंट करवाना है अम्मी का, हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि सोना भी और बहुत सारे काम करने हैं। सो अभी पार्क के लिए घर चलते हैं। ओके, नहीं काटता, हाय कर दो विलाग में, हाय। ये हमें मिले हैं बच्चे जो हमारे लिंकू को देखने के लिए आए। यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब देखते हो? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तीन लोग। ये भी मेरे विलाग में आएंगे, हाय कर दो। अपनी हालत देखिए आप। आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं शाम को पार्टी करने के लिए। सही है, बहुत सुनी है।